हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। के पिता राकेश रोशन ने कृष्णपुर पर काम तेज कर दिया। खबर है कि राकेश रोशन ने फिल्म की कास्टिंग से लेकर बाकी चीजों पर काम की रफ्तार बढ़ा दी और जून में फिल्म की शूटिंग का काम शुरू किया जा सकता है। बता दें कि भारतीय सुपर हीरो क्रिश काफी पॉपुलर हैं और फिल्म के अभी तक 3 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, क्रिश 4 की तैयारियां और फिल्म की कास्टिंग इसी साल जून में शुरू कर दी जाएगी। हालांकि राकेश रोशन ने अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया है कि फिल्म में फीमेल रोल कौन सी निभाएंगी। अब बता दें कि फिल्म में अभी तक प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड रोल करती रही। ऋतिक पहले विक्रम वेदा की शूटिंग पूरी करेंगे और फिर दीपिका पादुकोण के साथ अगस्त में उन्हें फिल्म फाइटर में शूट पर लगना होगा। जानकारी के मुताबिक सिर्फ फाइटर के शूट में ही ऋतिक को कुल 100 दिन का वक्त लगेगा। फिल्म को साल 2022 के अंत तक खत्म करने की प्लानिंग है। जानकारी है कि मुताबिक मेकर्स 28 सितंबर 2023 में फाइटर को रिलीज करना चाहते हैं। अब इस पूरे कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो क्रिश 4 की शूटिंग अगले साल ही शुरू हो पाएगी, क्योंकि ये मेकर्स की फ्रेंचाइजी जो है इसलिए इसमें भारी भरकम VFX और CGI का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही प्रोडक्शन और डायरेक्शन को लेकर इन्हें इन डेप्थ प्लानिंग करनी होगी। ऐसे में क्या समय के साथ इन चीजों को किया जाना संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्रिश 4 का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।